तो ये है होली के बलून। इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा पानी और उसके बाद आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट इन बलून के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो बलून्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। और ये है दिवाली की रिंग कैप वाली गन, तो इसको मैंने लगाया इसके अंदर और अब शूट करते हैं। भाई साहब काफ़ी बढ़िया था। और ये देखिए किस तरीके से आग छोड़ रहा है, धुएं के साथ साथ आग भी निकल रही, काफ़ी बढ़िया था। और ये है स्काई शॉट, गुलाल स्काई शॉट जो हमने खुद से बनाया है। इसको चला के देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं दो चक्री हैं, तो यहाँ पे हमने कलर से डिज़ाइन बनाई है जो कि है एक चश्मे की। तो चलिए इसको चला के देखते हैं क्या होता है। सो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आयुष। और जैसा कि आपने देखा हमारे पास है होली और दिवाली के काफ़ी सारे नए नए आइटम जिनकी टेस्टिंग करने वाले हैं अपने स्टाइल में। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से आइटम है। तो ये है स्मोक, और उसके बाद ये है हमारे पास दिवाली की चक्री ईगल ब्रांड की। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है कुछ कलरफुल पेपर की कटिंग्स हमने रखी हुई हैं, तो इससे आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाने वाले हैं। और ये है होली के बलून्स। तो भाई साहब होली हो और होली के बलून्स ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने होली के बलून्स तो आपको दिखाएंगे ही, तो काफ़ी यूनिक एक्सपेरिमेंट होगा। और ये है दिवाली की रिंग कैप वाली गन जो कि मिसाइल वाली गन होती है। और इसमें देखिए ये रही मिसाइलें जो इसके अंदर डलती हैं। और उसके बाद ये है पेंटा स्काई शॉट के खाली ट्यूब, इससे आपको दिखाएंगे एक एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पर जैसा कि बताया ये है होली के बलून्स, इसके अंदर पानी मैंने ऑलरेडी भर के रखा हुआ है, तो इससे आपको एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, वीडियो में देखिएगा आप लोग। और उसके बाद ये है माचिस बम, पानी बम, बीड़ी वाला बम। उसके बाद यहाँ पे हैं होली के कुछ गुलाल के पैकेट, और ये है छोटे वाले स्मोक्स, और यहाँ पे बिजली बम रखे हुए हैं। तो इन सभी की टेस्टिंग करेंगे अपने स्टाइल में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये रहे होली के बलून्स, तो सबसे पहले इनको पैकेट से बाहर निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, तो इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा पानी भर सकते हैं और ये बलून जल्दी से फूटता नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया है। तो सबसे पहले चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी भरना होगा इन सभी बलून्स में, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो वाटर के साथ होगा इन बलून्स के अंदर जो भर रहा है। तो जल्दी से भर लेते हैं इसको एक एक करके, उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट होगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो बलून्स हैं वाटर बलून्स वो रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक एक करके इनको बाहर निकालते हैं, और उसके बाद एक यहाँ पे सर्कल बनाने वाले हैं। तो इन बलून्स का एक सर्कल बनाएंगे और उसके बीच में रखेंगे एक दिवाली की चक्री को। तो अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे होने वाला है बलून के सर्कल में चक्री, और उसके बाद चक्री में लगाएंगे आग। तो देखेंगे यहाँ पे किस तरीके का जो बलून्स होते हैं वो फटते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो बलून्स हैं उनको बाहर निकाल लिया है और एक सर्कल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो अब इसके बीच में रखते हैं एक चक्री को, ये है दिवाली की ईगल ब्रांड की चक्री। तो चलिए इसको चला के देखते हैं क्या नज़ारा देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारी चक्री थी वो बंद हो गई थी, इसको एक बार फिर से चलाते हैं, चल पड़ी। और यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी बलून थे सारे फूट गए। तो भाई साहब ये था चक्री वर्सेस बलून, वाटर बलून। और चक्री देखिए अभी भी घूम रही है, और यहाँ पे जो पानी है काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, तो यहाँ पे एक भी बलून नहीं बचा। तो यार ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट, चलिए दूसरा एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। और अब हमारे पास है दिवाली की एक गन जो कि है मिसाइल वाली गन। आप सभी लोग इसको अच्छे से जानते होंगे, काफ़ी बार मैंने इसको दिखाया है और काफ़ी चीज़ें बताई भी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है रिंग कैप जो इस गन के अंदर लगता है, जल्दी से इसको लगा लेते हैं। तो सबसे पहले दिखाने वाले हैं ये गन नॉर्मल कैसे चलती है जो मिसाइल डाल के चलाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट। तो भाई साहब ये रही वो मिसाइलें, तो इन मिसाइल को डालते हैं इस गन के अंदर, और उसके बाद एक मिसाइल को शूट करके देखते हैं। ओ भाई साहब, तो देखा आपने मिसाइलें जो थी किस तरीके से निकली, काफ़ी बढ़िया थी। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन बलून्स में हम क्या थोड़ा सा गुलाल भरेंगे और उसके बाद इसको टारगेट में रखेंगे। तो देख सकते हैं इसमें गुलाल हम किस तरीके से डालते हैं। तो थोड़ा सा पाइप पहले हमें चाहिए होगा, उसके बाद इस पाइप के अंदर डालेंगे थोड़ा सा गुलाल, जिससे कि जो गुलाल इसके अंदर आ जाएगा, उसके बाद सीधे प्रेशर देंगे और बलून हमारा फूल जाएगा। तो देख सकते हैं जो बलून के अंदर गुलाल आ चुका है। सबसे पहले देखते हैं इसको नॉर्मल फोड़ के देखते हैं क्या ये नॉर्मल गन से ऐसे ही फूटता है या फिर नहीं, फूट जाना चाहिए। तो भाई साहब देख सकते हैं किस तरीके से फूटा। चलिए अपने बाकी के बलून, तो ये क्या हो गया। तो चलिए यहाँ पे हमने जो बलून थे इनको टारगेट में लगा दिया है, अब इसको मिसाइल की मदद से हम लोग फोड़ने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा जो टारगेट है वो लगता है या फिर नहीं। तो भाई साहब यहाँ देख सकते हैं पहली बार में ही फूट गया,
एक और ट्राई करते हैं। ट्राई अगेन, एक और। तो ये था हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो अब चलाते हैं इस स्मोक को। तो ये होली का छोटा वाला जो स्मोक होता है वो है, तो इसको हम लोग हाथ में पकड़ के चलाने वाले हैं। तो देखते हैं इसको चला के। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर का स्मोक देखने को मिल रहा है, और जो यहाँ पे विंड है काफ़ी तेज़ चल रही है, तो काफ़ी तेज़ हवा है यहाँ पे। देख सकते हैं जो स्मोक है काफ़ी तेज़ निकल रहा है। तो अब चलाते हैं दूसरे स्मोक को, जो कि ये बड़ा वाला स्मोक। तो इसको चला के देखते हैं कितनी देर तक इसमें स्मोक निकलता है। ये है ग्रीन कलर का, तो चलिए आग लगाते हैं। भाई साहब देख सकते हैं काफ़ी स्पीड से इसमें स्मोक निकल रहा है और हवा काफ़ी तेज़ है। ओ भाई ये क्या हुआ? तो यहाँ पर देख सकते हैं इससे आग की कुछ छींटे निकली हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अंदर से हरा मटेरियल निकला है इसमें। और अब आपको दिखाते हैं एक और एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है पॉलीथीन, उसके बाद ये है बिजली बम, उसके बाद यहाँ पे है पेपर की कटिंग। बेसिकली पेपर और पॉलीथीन, जो कलर वाली पॉलीथीन आती है वो है। तो इससे आपको दिखाते हैं एक एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जितना भी कटिंग है वो इस पन्नी के अंदर डालेंगे, इस पॉलीथीन के अंदर डालेंगे, और उसके बाद इसमें बिजली बम इसके अंदर डाल देंगे। तो जब ये बिजली बम फूटेगा उसके बाद ये सारी जो हमारा जो कटिंग है वो उड़ेगी, और इसको हम लोग हवा में रखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी जो पोटली है वो बन के तैयार है। तो बिजली बॉम्ब की जो पोटली है बन चुकी है, तो चलिए इसको चला के देखते हैं। तो लेकिन चलाएंगे हम लोग हवा में, तो यहाँ पे डंडे के ऊपर रख के चलाने वाले हैं। तो भाई साहब देख सकते हैं सेटअप हमारा कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो चलिए इसमें आग लगाते हैं और देखते हैं जो किस तरीके से इसमें जो कटिंग है वो फैलती है। सो भाई साहब देखा आपने, काफ़ी बढ़िया था। एक बार फिर से देखते हैं। तो आपने देखा जो इसमें कटिंग थी किस तरीके से निकली, तो भाई काफ़ी बढ़िया था। और यहाँ पे ये कटिंग गिरी है आके। तो भाई नया आइटम पेश किया जाए। तो भाई एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है स्काई शॉट के खाली खोल, और ये है माचिस बॉम्ब। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक हम लोग गुलाल का स्काई शॉट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कुछ सर्कल्स हमें चाहिए होंगे, तो इन सर्कल्स को सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि जो गुलाल डालेंगे इसके ऊपर ही डालेंगे। उसके बाद नीचे से लगाएंगे एक माचिस बॉम्ब, और यहाँ पे जब माचिस बॉम्ब फूटेगा तो गुलाल जो है वो ऊपर निकलेगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दफ्ती हमने काटी है इसको अंदर लगा लेते हैं, जैसा कि नॉर्मल स्काई शॉट में होता है। तो सबसे पहले नॉर्मल स्काई शॉट में तो ब्लैक पाउडर डाला जाता है, लेकिन हम लोग इसको नीचे से लगाने वाले हैं। और ये रहा माचिस बॉम्ब, बीडी बॉम्ब, जो कि ब्लैक पाउडर का काम करेगा। और इसको हम लगाएंगे नीचे से, इस होल के अंदर डाल दिया। और अब हम इसमें गुलाल डालने वाले हैं, क्योंकि जो दफ्ती है वो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो सारा जो गुलाल है वो दफ्ती के ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तो जल्दी से इसको भर लेते हैं और उसके बाद इसको चलाते हैं। तो देखते हैं माचिस बॉम्ब की पावर से गुलाल ऊपर जा पाता है या फिर नहीं। तो भाई आग लग चुकी है, देखते हैं क्या होता है। सो भाई साहब यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पावर थी उतनी ज़्यादा जनरेट नहीं हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से लोड करेंगे। शायद वो माचिस बॉम्ब ठीक नहीं था, क्योंकि आवाज़ भी कुछ खास नहीं आई थी। तो अब हम दूसरा कलर डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे पर्पल कलर, और उसके बाद फिर से हम बिल्कुल सेम तरीके से लोड करेंगे। तो फिर से हम लगाएंगे यहाँ पे माचिस बॉम्ब, उसके बाद आपको दिखाएंगे बिजली बॉम्ब लगा के। तो बिजली बॉम्ब में पावर अच्छी होती है। तो सब पहले आपको दिखाते हैं माचिस बॉम्ब वाला एक बार फिर से। तो इसको लोड कर दिया, तो चलिए भाई चलाते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। भाई साहब तो यहाँ पे देखिए जो गुलाल था काफ़ी बढ़िया तरीके से उड़ा। तो गुलाल में हल्की सी नमी आ गई थी शायद, इसलिए दिखा नहीं होगा ठीक से। तो अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे बिजली बॉम्ब इसके अंदर। और ये जो गुलाल है थोड़ा सा कम अच्छी क्वालिटी का है, इसमें क्या होता है कि ठीक से उड़ता नहीं है, लोकल टाइप का थोड़ा। तो एक बार फिर से इसको लोड करते हैं, लेकिन इस बार हम लगाएंगे बिजली बॉम्ब। तो आइडिया जो है वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी बढ़िया है। तो ये गया बिजली बॉम्ब इसके अंदर, उस छेद के अंदर हमने डाल दिया। और अब हमारा जो सेटअप है रेडी हो चुका है, तो चलिए चलाते हैं।
भाई साहब देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया था, लेकिन ये कैमरे में ठीक से नहीं आ पाया, बहुत जल्दी ब्लास्ट हो गया। एक बार फिर से लगाते हैं, इस बार रखेंगे रेड गुलाल को, लाल गुलाल को। तो देखते हैं, ऊपर तक भर दिया है भाई, अब चलाते हैं, अब अच्छे से रिकॉर्ड करना होगा। ये भाई साहब इस बार मज़ा आ गया भाई, काफ़ी बढ़िया तरीके से उड़ा, देख सकते हैं स्लो मोशन में, ख़तरनाक भाई। तो ये काफ़ी बढ़िया था जैसा कि आपने देखा, और गुलाल देखिए अभी तक हवा में है। और अब आपको दिखाते हैं एक क्रेज़ी आइडिया, जो कि है एक गुलाल और चकरी का। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो गुलाल है हल्का सा आग पकड़ लेता है, तो हमने सोचा है कि एक डिज़ाइन बनाते हैं और उसके बीच में रखेंगे चकरी को, और यहाँ पे जो चकरी जब नाचेगी उसके बाद जो यहाँ पे आग का सीन बनेगा देखने लायक होगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो हम सोच रहे हैं वो हो पाता है या फिर नहीं। तो पहले कोई भी रैंडम से डिज़ाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाया है एक चश्मा, अभी आपको दिखाते हैं, इसके बीच में रखते हैं चकरी। तो भाई साहब देख सकते हैं ये है फैला हुआ चश्मा तो इसमें लगाते हैं आग और देखते हैं क्या होता है। भाई साहब एक चकरी जली, एक नहीं जली, जल्दी जलाते हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं दोनों चकरी हमारी चल चुकी हैं, आग जो है काफ़ी बढ़िया लग रही देखने में। और भाई ये क्या हुआ तो भाई एक चकरी हमारी ब्लास्ट हो गई और एक चकरी चल रही है। तो यार आग जो थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनने लगी थी, लेकिन भाई यहाँ पे एक चकरी हमारी ख़राब हो गई। कोई बात नहीं, अभी आपको दिखाते हैं स्लो मोशन में कि जो आग थी वो किस तरीके से बनी थी। तो यहाँ पे देखिए जो आग थी बनने लगी थी, लेकिन भाई तभी हुआ अचानक से एक ट्विस्ट और चकरी हो गई बूम। तो भाई देख सकते हैं, कोई बात नहीं, अब जो हुआ वो तो हो गया। तो गाइस जो हमने सोचा था वो बन नहीं पाया, कोई बात नहीं। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए नए आइडियाज़ के लिए चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।